हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बात आज जोधपुर की होगी क्योंकि जोधपुर के लिए खास है सीएम अशोक गहलोत का होना और अशोक गहलोत के लिए खास है जोधपुर का होना, जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। मरुधरा का रण जीतने के बाद जब सीएम गहलोत घर पहुंचे तो लोग इंतजार में बैठे थे। जैसे ही गहलोत दिखाई दिए हर किसी ने उनकी ओर दौड़ लगा दी। अपने किस प्यार को देखकर गहलोत भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और आंखों में आंसू लिए बोले, मैं थासू दूर कौन। तो 43 दिन का समय बहुत बड़ा दिखाई देता है जब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं। आंखों में चमक और चेहरे पर बेकरारी लिए बैठे थे ये लोग, सोच रहे थे गहलोत आएंगे। गहलोत आए तो सहसा आंखों में चमक आ गई। हर कोई इस उम्मीद में था कि पहले मुलाकात हो जाए। मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। जरा ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर की जमीन पर जब उस जादूगर के पैर पड़े तो नजारा कुछ ऐसा था। जोधपुर की जनता अपने महानायक के स्वागत के लिए पलकें बिछाए हुए थी। जोधपुर की सर्द और खुशहाल फिजाओं में राजस्थान के गांधी के लिए नारा गूंज रहा था। स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ से भावुक हुए गहलोत। लोगों का प्यार देखकर गदगद हुए गहलोत। उनमें एक जज्बा था, जो झलक मिल रही थी, कितने उत्साहित थे। और जब मैं जीत के चला गया वहाँ पर तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर जो कमिटमेंट किए हैं राहुल गांधी जी ने और हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूं। 50 साल पुराना जनता का ये प्यार, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जोधपुर की जनता का प्यार मुझे 40-50 साल से मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। जो भी हूँ जोधपुर की जनता की बदौलत, उसके कारण में जो कुछ बना हूँ आज, जो जोधपुर वासियों के कारण बना हूँ। तो मेरे दिल में बसते हैं जोधपुर वासी। मैं जिंदगी में जोधपुर वासी मेरे लिए दिल के अंदर समाये हुए हैं। जोधपुर वासियों की वजह से पहुंचा हूं जयपुर। जोधपुर वासियों के कारण तो मैं पहुंचा हूं वहां तक, जयपुर तक पहुंचा हूं। कामयाबी के पीछे जोधपुर की जनता का आशीर्वाद। यहाँ के आम जनता, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, तब तो मैं कामयाब हुआ यहाँ से। पहले भी कहा था मैं थासू दूर कोनी, और मैं उसी रूप में मैंने कहा मैं थासू दूर नहीं। ये मैंने आपको सोच समझ के कहा था कि मैं थासू दूर नहीं। आज भी कह रहा हूँ मैं थासू दूर कोनी, और मैं आज भी कह रहा हूँ मैं थासू दूर नहीं। मेरी अंतिम सांस जोधपुर में ही निकली। गायत्री देवी जी को जयपुर से तब प्यार था, इतना स्नेह था जयपुर वासियों से, जयपुर से। वो इंग्लैंड में बीमार हुई, इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि मुझे जयपुर ले चलो। जब मुझे अंतिम सांस निकल रही थी तो मैंने कहा कि उनको जयपुर लाया गया प्लेन के अंदर। चार्टर प्लेन था, लाखों रुपये खर्च हुए होंगे, कुछ इतना करोड़ रुपये खर्च हुए हों। जयपुर आ गया और जयपुर में उनकी अंतिम सांस निकली। तो मैं इतना प्रेम था जयपुर वासियों से, जयपुर से, राजस्थान से, कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेना
खुद ने तय किया मुझे जयपुर लेनी है, तो मैं भी कहना चाहूंगा मेरी जो है अंतिम इच्छा रहेगी जोधपुर में मेरा अभिशास मिलेगी, तो जोधपुर में आपके बीच में रहूं, इतना मुझे जोधपुर वासियों के प्यार है, प्रेम है, विश्वास है, इतना मुझे आप हमने दिया सबको दिया। ये जोधपुर की जनता का उस जादूगर के लिए प्यार है। राजस्थान के सर्वमान्य नेता गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे थे। पहली बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ा था। बहुत ही सहज अंदाज में गहलोत भी अपने प्रशंसकों के बीच दिखे। दिल से शुक्रिया कहा, दिल से आओ, प्यार से बात करो, आराम से मिलो लोगों से, उस ढंग से। आज मुझे खुशी है कि जो कार्यकर्ता मिलने आए हैं उनमें एक जज्बा था, वो जो झलक मिल रही थी, कितने उत्साहित थे, इस बात की मुझे बहुत पसंद था कि एक साधारण सी कद काठी के असाधारण से इंसान के लिए लोगों में इस कदर क्रेज है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोग भी उम्मीदें तलाशते हैं। बेहतर कल की आस लगाते हैं। और ये क्रेज यूं ही नहीं है। मीडिया ने जब जोधपुर की बंद योजनाओं की बात छेड़ी तो बिल्कुल जादूगर के अंदाज में कह दिया, आ गया हूं, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जोधपुर का भी विकास हो गया था, काफी ओपीडी पेंडिंग रही, आपने शिलान्यास किए, वो भी पत्थर साइड में पड़े रख दिया। सब ठीक करने की चिंता मत करो, सब ठीक। यही है अशोक गहलोत, तीसरी बार सूबे की कमान संभालने वाले, पार्टी को कई दफा संकट से उबारने वाले, साधारण से कुर्ते पैजामे में बेहद लो प्रोफाइल नेता जो सियासत के शिखर पर हैं, लेकिन आम लोगों से जब मिलते हैं तो उनका कद उनके आड़े नहीं आता, उनका अंदाज ही लोगों को सहज कर देता है। उनमें कहीं भी एक बड़ा राजनेता होने का दंभ नहीं झलकता। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे जोधपुर में क्यों फिर से भावुक हो गए गहलोत, और साथ ही आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के गांधी की पूरी अनसुनी कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। दरअसल सीएम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने केंद्रीय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने अपनी यादें ताजा की और इस दौरान उन्होंने युवाओं को फोकस में रखकर अपनी बातें रखी। उन्होंने आधुनिक भारत के विकास में कांग्रेस की सरकारों और खास तौर से राजीव गांधी के प्रयासों को भी रेखांकित किया। और पहला इलेक्शन लड़ा मैंने जब स्कूल में था, एट क्लास के अंदर, वो चुनाव में 4 वोट से हार गया था। उसके बाद में चुनाव लड़ा मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का इसी विश्वविद्यालय से, और वो चुनाव में करीब 400 वोट से चुनाव हार गया था, 2 हार हो गई। तीसरी बार मैं NSU का अध्यक्ष बन गया था राजस्थान का। NSU यारी मेरी कमजोरी है, NSU के नौजवानों को मैं चाहता हूँ कि
वो आगे बढ़े, किस प्रकार बढ़े, इस प्रकार मेरी सोच रहती है। और उसके बाद में मैंने चुनाव लड़ लिया विधानसभा का 77 के अंदर, जो मैं नेशनल का अध्यक्ष था तब। वो चुनाव में करीब 4000 वोट हार गया। 3 हार लगातार मेरी हुई जिंदगी के अंदर।